एकदा मी आणि माझी मुलगी वरती गच्चीमध्ये उभं होतो तेव्हा सहज बाहेर रस्त्यावर लक्ष गेलं आमचं आणि आम्ही त्यांची ती व्हॅन पाहिली. आम्हाला खूप उत्सुकता होती की हे काय करतायत. आम्ही पाहिलं तर त्यांनी व्हॅनमधनं चिकन स्टॉक आणि ब्रेड त्याचे स्लाइस काढले, एका छान बाऊलमध्ये, दोन बाऊलमध्ये, एका बाऊलमध्ये पाणी, एका बाऊलमध्ये त्यांचं खाणं, असं करून त्यांनी बाहेरच्या स्ट्रे डॉग्ससाठी खाणं ठेवलं. आम्ही टेरेसवरनं बघत होतो की ते काय करतात. त्या डॉगींचं खाणं झाल्यानंतर त्यांनी त्या प्लेट्स उचलल्या ज्या त्यांना कॅरी करायच्या होत्या, बरोबर ते त्यांनी कॅरी केल्या आणि ज्या करायच्या नव्हत्या त्या त्यांनी रॅप करून डस्टबिनमध्ये टाकून दिल्या. मेरे पास गाड़ी है, दवाई है, मैं सब अपने खर्चे से करता हूँ. मुझे हेल्प करने वाले भी कोई नहीं और मुझे उल्टा मदद करने के बजाय लोग तकलीफ देते हैं. हाँ, कंप्लेंट करते, पुलिस कंप्लेंट करते, झगड़ते. बघा, कुत्री का जमतात त्यांना खायला मिळत नाही. ज्या एरियामध्ये खायला मिळतं तिथे ते मॉडेल कॉलेज ऐकत घर त्या ओम सुपर मार्केट आणि त्याच्या मागे आमची गाडी जात नाही. तर 25 कुत्रे तिला त्यांचं ऑपरेशन झालेलं नाही, तिथं पिल्लं आहेत, त्यांना सगळ्यांना रेबीज आहे, त्यांना सगळ्यांना गॅस्ट्रो आहे, इतकी तिथं रोग पसरलेले. आता तिथं गाडी जात नाही, तिथे गाडी ते कुत्रे हेल्दी आहेत. कारण का, आता आमची गाडी इथे येते, ह्यांना अँटी रेबीज मिळतं, ह्यांना वॅक्सिनेशन वगैरे जोडी मिळतात. तिथे सगळं करा, फक्त जेवण करू नका ना. नाही, तुम्ही फक्त जेवण घेऊ नका, म्हणजे रेबीज करा, सल्ला करा, असं नसतं. चालू है कोर्ट में, हमारा चार नंबर कोर्ट में केस चालू है. हाँ, जिसमें अरुण पसारे डालेंगे तो सब फाइल आपको मिलेगा. उन्हें मिरर वाले का केस क्यों किया था उन्होंने? डॉग को हेल्प कर दी, डॉग को हेल्प मत करो. 300 लोगों ने किया था और एक नगर सेवक. कात्रज वरना त्यांची गाडी घेऊन येतात आणि फक्त भोसले नगर मध्ये नाही तर पुण्यातल्या कित्येक एरियामध्ये ते असे सकाळपासून रात्रीपर्यंत फिरत असतात, ट्रेडरला खाणं घालत असतात, त्यांचं औषधं देत असतात. त्यांना काहीही लागलं, एखाद्या स्ट्रेडॉगला रस्त्यावर गाडीने उडवलं तर त्याला हॉस्पिटलमध्ये नेऊन त्याला बरं करून परत त्याच्या एरियामध्ये सोडण्यापर्यंत सगळं ते करतात. त्यांचं स्टरलायझेशनचं काम ते करतात. हे करताना त्यांना कोणीतरी स्पॉन्सर करत असेल, कोणीतरी मदत करत असेल, पण ते ज्या डिव्होशननी हे काम करतात ते खूप मला आवडलं. 4 से 8 बजे तक खाना बनाते, 8 से शाम को 8 बजे तक रात को खाना बांटते. हमको हमारे लिए 4 घंटे और सोने के लिए 4 घंटे. मैडम 4 बजे सुबह सुबह उठते है, खाना बना पकाते है उनके लिए, चावल, चिकन्स, उसका सूप, राइस, ये सब बना के उसको एक बड़े बड़े टिफिन में डालते हैं.
बिन ठंडा होने के लिए 4 घंटे लगते, और बाद में वो नीचे पहले माले से लेकर नीचे गाड़ी में लाने के लिए 1.5 घंटा लगता है। उसमें से फिर हम गाड़ी में हमारे मारुति वैन में सब खाना रख के फिर वो ठंडा होने के बाद फिर हम हमारे घर से निकल के रोड मेन रोड से जितने भी स्ट्रीट हाउस है जिनको खाना नहीं मिलता पानी नहीं मिलता तो हम सब गाड़ी में पानी खाना दवाई ये सब रखे। एक दिन पूरी तैयारी करनी पड़ती है, सब सामान लेके आने पड़ते हैं, गैस से लेके चिकन राइस जो भी खाने का सामान है पेडिग्री, कभी कभी खाना कम पड़ जाता है, दूध बिस्किट ब्रेड या कोई वेस्ट है, इधर होटल के वेस्टेज फूड है जो कचरे में फेंक देते हैं, खाना अच्छा रहता है लेकिन वो कचरे में फेंक देते हैं, इसलिए वो चपाती हम कलेक्ट करके रेडी रखते हैं। मेरे घर में एक डॉग है, वो 9 साल का है, वो जब से आया तब से हमने स्टार्ट किया। अच्छा, क्या नाम है उसका? रॉकी नाम है उसका। अच्छा, अभी नहीं कहते क्या वो? ये उनके वो एकदम समझदार है, उसकी वजह से हम दूसरे डॉग को समझने लगे, वो इतना समझदार है, उसकी वजह से डॉग्स का कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम ध्यान में आया, क्यों इनकी हेल्प करने वाला कोई कोई नहीं है। मैं पहले बाहर जाती थी ना काम के लिए, मैं जिम में काम करती थी फिटनेस का, रस्ते पे देखती थी डॉग के एक्सीडेंट हुए, लेकिन एम्बुलेंस आने की खाली दवाई इंजेक्शन दे के चले जाते, खाने किसी को देने के लिए नहीं समझता। तो तब हमने भी सोचा कि चलो अगर एम्बुलेंस है इनके लिए दवाई इंजेक्शन देते तो एक खाने के एम्बुलेंस हम बनाते। एक्चुअली क्या होता था, जब अपन रास्ते से गुजरते तो अपन देखते कि खाने के ठेले किधर का खाना मिल रहा है, किधर चिकन चिकन का शॉप है, किधर होटल है, उधर बाहर से खाली उनकी तरफ देखते चुपचाप बैठे, तो वो अपने को अपन बाकी लोग सब खाना खा रहे हैं और वो चुपचाप बैठे दूर से देख, तो जैसे अपन को भूख लगती है, खाना चाहिए, पानी चाहिए, दवाई चाहिए, वैसी ज़रूरत उनको भी है, तो उनका सोचना कोई करना नहीं चाहता या कोई करता नहीं है या किसी के ध्यान में आता नहीं, और ये हमारे ध्यान में जाता आने लगा। दूसरा है कि हमारे सामने एक डॉग एक्सीडेंट से खाने के लिए मर गया, एक छोटे ब्रेड के स्लाइस के लिए कुत्तों ने झगड़ा करके एक ने दूसरे को नोच लिया, ब्रेड का कीमत था 1 रुपीस, फिर उसके लिए उनका झगड़ा इतना था कि उनके खून निकला, झगड़ा हो गया, तो ये हमने जब देखा तो ये कि बंद होना चाहिए, ये जानवर होके कुछ नहीं कर सकते, अपन इंसान होके इनके लिए कुछ, तो उनके लिए कैसे कि जैसे इनको दवाई की जरूरत है तो वो डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, उनको भूख लगी है तो वो मांग नहीं सकते, वो खाली दूर से बैठ के देख सकते या लोग उनको हकाल देते हैं, तो हमने सोचा कि थोड़े लाइटली हम स्मॉल इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम चालू किया, फिर वही काम ऑटोमेटिकली बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया कि बस अभी वो रुकना बहुत। हम लोग जब खाना देना चालू कर दिया तो पहले 100 रुपए का खाना देते थे, फिर हमारा धीरे धीरे 500 रुपए का खाना हो गया, अभी हम 1.5-2 हजार का खाना स्प्रेड रोज करते हैं, जब 100 ही रुपए बचते हैं तो हम अब भगवान को विश करते हैं कि आप इतना ही बचाए तो कहीं ना कहीं से हमें बिजनेस में हमारे ऑफिस में फायदा हो जाता है, उससे हमारा जो पैसे की जरूरत है वो आदमी से ज्यादा भगवान पूरी करते हैं। बिन मांगा तो फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि यार आज मैंने 100 रुपए खर्च किया तो मुझे आज बिजनेस में 100 रुपए फायदा होता है, तो ये भगवान का काम है, आदमी का काम ऐसा नहीं है, आदमी का एक बार मदद किया तो वापस सोचता है कि करूँ कि नहीं करूँ या उसकी मदद हो सकती है नहीं हो सकती, लेकिन भगवान का काम कैसा है कि उसके ऊपर ध्यान रहता है, अगर मेरा काम बंद हो गया तो वो बेचारों बेसहारा का और जो हैंडीकैप है उनका खाना बंद हो जाएगा, तो मेरे सोचने से ज़्यादा भगवान पहले सोचते हैं कि मेरा काम रोके कि 7 साल आज मैं 9 साल से काम कर रहा हूँ, एक दिन भी मुझे भगवान ने छुट्टी नहीं, मैं छुट्टी मांगता हूँ, रोज मांगने जाता हूँ लेकिन छुट्टी होती है कि ये काम इसलिए छुट्टी। एनिमल को भी प्यार चाहिए, खाना चाहिए, दवाई चाहिए, पानी चाहिए, ये लोगों का ध्यान में है ही नहीं और लोग इनको भूल जाते हैं। हाँ, वो मानते डॉग को खाना मत खिलाओ, यहाँ से डॉग हटाओ,
हमें डॉग्स नहीं चाहिए, हमें अभी सिगरेट नहीं। लेकिन उनकी सोच ही गलत है ना, वो क्या सोचते हैं कि हमारा खाना खिलाने से डॉग बढ़ते, खाना खिलाने से डॉग नहीं बढ़ते, ऑपरेशन नहीं करो तो डॉग बढ़ते। और उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अभी डॉग खुद का पॉपुलेशन कैसा कम करेंगे? इन लोगों ने सोच लिया, उनको ये सवाल करना है कि वो खुद का खाना कैसे ढूंढेंगे, वो खुद दवा खाने में कैसे जाएंगे, वो क्या इंसान थोड़ी है, वो खुद का ऑपरेशन कैसे करेंगे, खुद पानी कैसे मांगेंगे? अभी डॉग्स पानी खाना और दवाई कैसे मांगेंगे? आप मेरा सवाल उनसे कि ये तीन चीजें वो कैसे डॉग उनको कैसे मांगेगा? हम खाना खिलाते उनको दवाई देने के लिए, उनको ऑपरेशन देने के लिए, उनका ऑपरेशन करने के लिए। हम खाना नहीं देंगे तो हमारे नजदीक आएंगे नहीं। अभी अभी समाज अनसक्सेसफुल है, सरकार अनसक्सेसफुल है डॉग्स के प्रॉब्लम्स में, लेकिन हम सक्सेस होंगे क्योंकि हमें मालूम है कि प्रॉब्लम्स किधर है। प्रॉब्लम्स अपने बिहेवियर में, समाज की सोच में, सरकार की सोच में, प्रॉब्लम सोच में, डॉग्स में नहीं है। लोग वो डॉग्स में ढूंढते हैं, प्रॉब्लम उधर नहीं है, सोच में। आप गलत तो सोचेंगे, एक्चुअली प्रॉब्लम सोच में। इंसान को भी खाना नहीं मिला तो वो किसी को पत्थर मारेगा या चोरी करेगा। समाजाला काय वाटतं की आम्ही आमच्या फायद्यासाठी करतो, आमचा फायदा काही नाही याच्यामध्ये, त्याचा आमचा वेळ जातो, पैसा जातो, आम्हाला मेंटली त्रास होतो। आता आम्ही हॉस्पिटलला गेलो, किती त्रास झाला आम्हाला, ह्याला ह्याची अवस्था इतकी भयानक होती, ह्याला अन्न नाही, पाणी नाही, 5 दिवस कोटून ठेवलं। एक मैगेट्स नहीं है, हमारे रास्ते पे जितने भी डॉग है, 600 डॉग है मेरे पास, आप देखेंगे ना एक के भी ऊपर ना मैगेट से ना किसी को कुछ बीमारी है। एक डॉग कुत्ता पागल नहीं है। They took him on Wednesday, Tuesday or Wednesday, I guess. And he was operated on Thursday. And when they took him from here, he was in a very good condition. Make new life. ऐसा नाम रखा है हमने एनजीओ का, और इसमें सब मतलब हमने सोच के कि सब अलग से रहेगा, इसलिए हमने उसका नाम ये दिया है मेक न्यू लाइफ। जैसा हम वही काम करते हैं ना कि आदमी का उनका जीवन सुधारने का ही हमारा काम है। उनका जो अभी जीवन है वो बहुत बुरी तरह फंस गया है, इसलिए हमने नाम भी वही दिया। हालत भी बुरी हो गई, हम उनके लिए अच्छा रिजर्व करते, जैसे अपन अपने लिए अच्छा लाइफ डिजर्व करते हैं, वैसे हम उनके लिए लाइफ डिजर्व करते हैं। इनके लिए मुझे लोगों की, जो एक्चुअली डॉग्स लवर है, एनिमल लवर्स है, उनकी हेल्पिंग चाहिए, क्योंकि उनकी हेल्पिंग अभी लोगों की लोग भी नहीं करते और सरकार भी नहीं। हमारे पास अभी जो भी डॉग है वो
अच्छे ही रहे, उनकी लाइफ हमने एकदम सेट किया है, इसलिए हमने ये नाम दिया है सोच के। That you are feeding them. Yeah. Make a provision so that they don't bite others. Okay? Right. But I have nothing wrong against them, but make sure they are vaccinated. They are vaccinated. No, they are not. In front of me, I saw they have been bitten somebody. Some they do that, but it's like it's not funded by anyone. She is the one who buys her own money into everything. I am saying this is a noble thing, but I am saying because of this there is some other problem is happening, you guys should be aware of that. Kind of, yes, we are pushing it. Nobody is caring about that. I am told there is a multiplying dog here. And there is a danger of people walking on this. They are not able to walk. Right. Okay, in the morning. So, I mean, that's okay. I just wanted to pass my message to you.